क्लास स्टैंडर्ड ए, सब्जेक्ट हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी पार्ट टू। पार्ट वन में हमने चैप्टर एट स्टार्ट किया था, माँ कह एक कहानी। चैप्टर का नाम है माँ कह एक कहानी। ओके, इसके राइटर मैथिली शरण गुप्त। ओके, तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन की हूँ और मीनिंग लिखाई हूँ, तो मीनिंग में अभी मेरा कंटिन्यू चालू रहेगा। तो पार्ट टू में भी पहले मैं मीनिंग लिखाऊंगी, आगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, तो नाउ स्टार्ट पार्ट टू, चैप्टर नंबर ए, सब्जेक्ट हिंदी, माँ का एक कहानी का मीनिंग लिखेंगे हम अभी। ओके, तो मीनिंग यहाँ आपको मैं लिख के बताती हूँ। ओके, लिखिए बानी। बानी मीन्स क्या होता है? बानी। ओके बच्चों, बानी मीन्स जो हम बोलते हैं, हमारा जो शब्द निकलता है उसको बानी बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बोलना चाहिए तो अच्छा विचार बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। ओके, माँ का एक कहानी। कहानी सबको अच्छा लगता है, कविता सबको अच्छा लगता है। ओके बच्चों, हमें दादा दादी नाना नानी जब भी बचपन में थे तो बैठ के उन लोगों की कहानियाँ सुना भी करते थे और अच्छा भी लगता था, है ना। शायद आप लोगों को भी अच्छा भी लगता, आज के डेट में भी हमें कोई कोई स्टोरी कितना सुनना अच्छा लगता है ना, है ना। तो हमें स्टोरी भी सुनना चाहिए ताकि उससे भी हमारा मनोरंजन होता है। स्टोरी, चुटकुला, ये सब बीच बीच में थोड़ा सा तो आना ही चाहिए ताकि माइंड भी फ्रेश हो, और चुटकुला तर्क वितर्क एक दूसरे से बात भी बात करेंगे तो हमारा दिमाग का क्या है कि एक्सरसाइज होता है। ओके, तो ये हमने क्या लिखा, वाणी मीन्स स्पीच जो हम बोलते हैं। नीर अपराध मतलब निर्दोष, क्या लिखेंगे, नीर अपराध, अपराध मीन्स निर्दोष, जो कोई दोष नहीं किया हो, कोई गलत काम नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निर अपराध, जिसमें कोई दोष नहीं हो, यानी कि निर्दोष, निर्दोष। ओके बच्चों, है ना, तो हम लिख लिए निर्दोष, बेगुना, इसको बेगुना भी बोलते हैं हम, साइड में होते हैं बे और आप लिख लेंगे बेगुना। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम हट्टी। हट्टी मीन्स क्या होता है, हट्टी जिद्दी, जिसको जिद बोलते हैं। वो कैसे अपनी माँ से जिद करता है, हट करता है कि माँ मुझे कहानी सुनाओ ना, माँ मुझे कहानी सुनाओ ना, माँ मुझे एक कहानी सुना दो। तो इसको क्या बोलते हैं, जिद बोलते हैं, हट्टी जिद्दी, जिद्दी बच्चा। ओके, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे मानधन। मानधन मान, ओ सॉरी, मान धन। मान धन मीन्स पुत्र। मान धन पुत्र, मान धन मीन्स पुत्र। फिर तात, तात मानधन मीन्स पुत्र। तात मीन्स समझते हैं किसको बोलते हैं, तात। आप महाभारत देखते हैं बच्चों, हाँ, उसमें तात शब्द का प्रयोग है, तातश्री या माताश्री या पिताश्री। ओके, तो इसी में आपका आ रहा है ये शब्द। हमने क्या लिखा, मानधन मीन्स पुत्र और तात शब्द मीन्स क्या होता है, तातश्री। आप जब महाभारत देखेंगे ना तो उसमें शब्द में यूज किया जाता है माताश्री, पिताश्री, तात। तो तात किसको बोलते हैं, तात मीन्स पिता, फादर, है ना, तात मीन्स पिता, तात मीन्स पिता। ओके, चलिए देख लीजिए, तात मीन्स पिता। मनमानी,
पर्सन, मनमानी मीन्स मन पसंद, जो अपना मन पसंद काम होता है ना या मन पसंद खाने की चीज होती है तो हम क्या बोलते हैं, वो अपना मनमानी करता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, मन पसंद। ओके चलिए अब आगे हम लिखेंगे, आपने लिख लिया है, यहाँ मैं लिख देती हूँ है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे बर्न, बर्न वर्न के। ओके इसका क्या होगा अर्थ, वर्ण वर्ण के मीन्स मतलब आपका अलग अलग रंगों के, वर्ण वर्ण के मीन्स अलग अलग रंगों के। यहाँ मैं लिख रही दे दीजिएगा अलग अलग रंगों के। ओके वर्ण वर्ण के अलग अलग रंगों के, ठीक है। हम बिंदु मीन ओस के बिंदु, हम बिंदु यहां लिखो ओस की बूंदे, हिम बिंदु। आप ओस जानते हैं किसको बोलते हैं, हिम बिंदु। जब आप सुबह में उठोगे ना और बाहर निकलोगे तो घास पे देखोगे कि ओस की बूंदे गिरी होती है। आप बगीचे में जाओगे, फूल वाले घर में जाओगे या कहीं भी जाएंगे तो आप सुबह, अभी ठंडी के मौसम में ना ज़्यादा होता है तो आप जाओगे तो वहाँ पे ओस की बूंदे आपको मिली हुई पड़ेगी, है ना। हिम बिंदु यहाँ से दिख रहा है ना, बिंदु ओस की बूंदे, ओस की बूंदे। चलिए मैं इधर इरेज कर देती हूँ आपका। ओके चलिए ये आपने लिख लिया, हिम बिंदु ओस की बूंदे, खग खग मैंने पटवन में लिखा है, खग मीन्स पक्षी। ओके और कल मीन्स मधुर, लिखिए कल 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 मीन्स मधुर, मधुर स्वीट मधुर। ओके कल मीन्स मधुर, विदर्भ कल मीन्स मधुर, हानि मीन्स नुकसान, हानि नुकसान नुकसान। ओके हानि मीन्स नुकसान, करुणा करुणा के सागर अपने नाम से करुणा, करुणा मीन्स दया, क्या लिखेंगे दया। ओके चौकना चकित होना, चौकना चौक करना चकित होना, चौकना मीन्स चकित होना। लक्ष्य निशाना, लक्ष्य निशाना।
मानी अभिमानी। उबारना 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 मीन्स बचाव करना। ओके, निर्णय मीन्स फैसला। निर्णय 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 फैसला। भक्षक खाने वाला। दानी दान देने वाला। दानी दान देने वाला। चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ बच्चों। ओके, ये आपका चैप्टर 8 पार्ट 2 में मिली है। कल मीन्स मधुर, हानि मीन्स नुकसान, करुणा मीन्स दया, चौंकना मीन्स चकित होना, लक्ष्य मीन्स निशाना, माने मीन्स अभिमानी, उबारना मीन्स बचाव। ओके, बचाव करना। निर्णय मीन्स फैसला, भक्षक मीन्स खाने वाला, दानी मीन्स दान देने वाला। ओके, दैट इज क्लियर। मीनिंग कंप्लीट हुआ आपका। अभी हम आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, उसमें देखेंगे आगे क्या है। ओके, लिख लिया आपने, इरेज करने वाली हूँ। चलिए पेज नंबर आप निकाल लीजिए, टेक्स्ट बुक में देखेंगे। 53, पेज नंबर 53 में है अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर है जैसे, राहुल के पिता जी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राहुल के पिता पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे और कब। ओके, आखेटक ने, चलिए मैं क्वेश्चन आंसर लिखवा देती हूँ आपको। चलिए आपने ये लिख लिया, इरेज करूँ। मीनिंग कंप्लीट हो गया बच्चों। ओके, चलिए अब लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब कर रहे थे, कब। ओके, राहुल के पिता जी भ्रमण करते थे, कब। ये क्वेश्चन लिखना है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्रश्न नंबर
निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित प्रश्नों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, के उत्तर दीजिए। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, राहुल के पिताजी, पहला प्रश्न आपका है राहुल के पिताजी है ना, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कहाँ भ्रमण कर थे, कब, यहाँ कब है। ओके, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब। ओके, यहाँ कब के पास ही प्रश्नवाचक यहाँ चिन्ह है। ओके, और यहाँ भी। ओके, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ, है ना, लिखना है आपको कि राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। राहुल के पिताजी लिख दीजिए यहाँ, राहुल है ना, राहुल के पिताजी सवेरे राहुल के पिताजी सुबह सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे, बगीचे में भ्रमण करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका आखेटक, आखेटक है ना, ध्यान देंगे, आखेटक ने राहुल के पिताजी से, आखेटक ने राहुल के पिता जी से, राहुल के पिताजी से क्या मांगा, क्या मांगा। पिताजी से क्या मांगा, इसके बारे में आपको क्वेश्चन लिखना है आंसर। आखेटक ने राहुल के पिताजी से, लिखिए आंसर में, आखेटक है ना, आखेटक राहुल के पिताजी से, राहुल के पिता जी से है ना, राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा, क्या मांगा था, अपना शिकार मांगा, राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा, शिकार मांगा है ना, अपना शिकार मांगा, लिख लिया आपने,
मैं रिपीट करती हूँ, वन से वन अगेन। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे कब? तो राहुल के पिताजी सुबह सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। आखेटक के राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आखेटक के राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। चलिए इरेज करती हूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, है ना। दो चार क्वेश्चन लिखवा देती हूँ मैं, उसके बाद से मैं ओरल क्वेश्चन का आंसर बोल दूंगी। आपको अपने आप से लिखना भी है, अपने आप चैप्टर रीड करना है, अपने आप क्वेश्चन भी लिखना है। ऐसा नहीं कि जो बुक में आपका क्वेश्चन आंसर दिया गया वही है, इस चैप्टर से अलग से भी क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक, चूज द करेक्ट आंसर और वाक्य किसने किसको कहा, ये सब आपके लिए प्रश्न उत्तर आ सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, चैप्टर को रीड करना है और अच्छी तरह से समझना भी है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में है, उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन की शोभा कैसी थी? चलिए अभी हम लिखेंगे उपवन की शोभा कैसी थी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। थोड़ा अभी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखाया था, तो ये उपवन की शोभा कैसी थी लिखेंगे। इसके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, उपवन की शोभा कैसी थी। उपवन की शोभा कैसी थी, कैसी थी, ओके। उपवन की शोभा कैसी थी, तो अभी हम लिखेंगे, उपवन में तरह तरह के रंग वाले फूल खिलते थे। उपवन में क्या थे, आंसर में आ जाएगा, लिखिए उपवन में तरह तरह के फूल खिलते। उपवन में तरह तरह के फूल खिलते थे, नहीं, उपवन में तरह तरह के फूल खिलते थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। क्या कर रही थी, उन फूलों पर, लिखिए यहाँ उन लहर सी उत्पन्न हो जाती थी,
उत्पन्न हो जाती थी, हो जाती है ना, लहर से उत्पन्न हो जाती थी। फूल की, फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। फूलों की सुगंध, फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी, सारे उपवन में देखेगा में फैली हुई थी, फैली हुई थी, हुई थी। ओके, चलिए अब इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर होता है। इस प्रकार यहाँ लिखेंगे, इस प्रकार है ना, इस प्रकार सुबह का समय दिख रहा है ना बच्चों, दिखेगा आपको सुबह, सुबह का समय मनोहर होता है, मनोहर होता है, होता है। आप मेरी आवाज सुन ही सकते हैं अगर नहीं समझ में आए तो, है ना। मैं आपको यहाँ से पॉइंट बता देती हूँ कि हवा की हल्के झोंकों से होश की बूंदें एक दूसरे से मिलती थी, जो तो मिलती थी उनमें तो उनमें तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। इस प्रकार सुबह का समय मनोहर होता है। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलिए अभी हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय लिया, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय लिया, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने यह निर्णय लिया कि पुत्र छोटा था, और मैं बताई पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था, क्या था, पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई, क्या हुआ, पुत्र उनका छोटा था पर बुद्धिमान था, माँ से कहानी सुनकर उनको कहानी सुनकर उसको पक्षी के प्रति क्या हुआ, सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरे उसे क्यों ना कुछ कर सकता है, दूसरा उसे क्यों ना बचाए। उसका पुत्र का कहना था कि निर्दोष व्यक्ति को कोई और मार रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसको क्यों नहीं बचा सकता है। ओके, न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। न्याय में हमेशा क्या होना चाहिए, दया का भावना होना चाहिए, इसीलिए रक्षक से हमेशा भक्षक मारने वाला से बड़ा होता है, भक्षक यानी मारने वाला से बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन का यही कंप्लीट हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें है आपके टेक्स्ट बुक में प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए, प्रस्तुत कथा काव्य का इसके में आपको सार लिखना है कि ओके, इसके बारे में आपको लिखना है कि राजकुमार सिद्धार्थ, ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आपको अपने मन से लिखना है, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखना है। इसके बारे में आप रीड करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा मैं हिंट्स के लिए बता देती हूँ, राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे, क्या गए थे, राजकुमार सिद्धार्थ घर बार छोड़कर तप कहाँ चले गए थे, वन में चले गए। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उनका पुत्र राहुल था, सिद्धार्थ के पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा, उनका पुत्र का नाम था राहुल। ओके, एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनने का आग्रह किया। एक दिन, इसमें आप ये बना के लिख सकते हैं कि एक दिन नन्हे राहुल ने अपनी माँ से कहानी सुनने के लिए आग्रह किया, प्रार्थना किया, है ना। तब यशोधरा ने उससे सिद्धार्थ के
बचपन की एक घटना सुनाई। यशोदा ने क्या की, उसे अपने सिद्धार्थ की बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे, अचानक बांध से घायल एक हंस उनके पास आके गिरा। वो कहानी सुनाई थी, एक बार वो भ्रमण कर रहे थे तो अचानक हंस। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसमें आपको ये प्रस्तुत कथा काव्य के साथ लिखना है। तो ये आपका आज का होमवर्क हुआ। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट्स बता दी कि इसके बारे में आपको लिखना है। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। आपका 1 to 5 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। हरिओम।